नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट स्टॉक्स में। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एंजल वन या फिर जीरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके इजीली आप अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप अपना पहला कदम रख सकते हो, ठीक है, होशियारी से। एंड जो रूल्स मैं मेरे हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये जो रूल्स है यहाँ पे इसको फॉलो कीजिए। इफ यू आर पैशनेट इन द मार्केट, इफ यू वांट टू डू बिजनेस एज अ साइड बिजनेस, तो मार्केट को ऑपरेट करना चाहते हो, तो फिर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और आप अगर 2 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते हो, तो फिर ये रूल्स आपके लिए नहीं है। आप सट्टा कीजिए, एक दिन हारिएगा, एक दिन जीतिएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स गैम्बलिंग फॉर यू। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे, ठीक है। देखिए, बैंक निफ्टी में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं एज ए स्कैल्पर, एज ए स्पेकुलेटिव ट्रेडर, तो उसका वीडियो मैंने यहाँ पे आई कार्ड बटन में आपको दे रखा है और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, जो कल मैंने बनाए थे, तो उसको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधा, मैं कौन सा स्टॉक दिया था लास्ट फ्राइडे सेशन के लिए, वो था अपना आईसीआईसीआई प्रूली। ICICI पुली में देखिए, ICICI पुली में शानदार तरीके से अपने टारगेट को इसने अचीव किया, शानदार तरीके से अपने टारगेट को अचीव किया। और क्या चाहिए दोस्तों, शॉर्ट सेल साइड में इसने अपने टारगेट को अचीव किया, और इनफैक्ट फर्स्ट टारगेट को तो अचीव किया ही है, और सेकंड टारगेट जो हमारा सेकेंडरी होता है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, उसको भी इसने लगभग अचीव कर लिया है, ठीक है। तो हमारा ट्रेड शानदार रहा। देखिए, मैं शॉर्ट टर्म स्टॉक जो देता हूँ उसको जरूर से जरूर थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई सब देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। स्टॉप लॉस के लॉस होने के डर से आप लोग ट्रेड लेते नहीं हो तो क्या फायदा फिर दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। देखिए, चेन्नई पेट्रो में मैंने दिया था, चेन्नई पेट्रो में मैंने 230 के आसपास दिया था दोस्तों, देखिए 230 के आसपास दिया था, और कहाँ गया, 230 के आसपास मैंने दिया था, और देखिए यहाँ पे आज, और 275 का टारगेट था, 278 तक इसने पहुंचा दिया, ठीक है, 278 तक, देखिए 275 का टारगेट था, 278 तक, ये 279 तक अभी हाई बना के रहा है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करके जब लाता हूँ, स्टॉप लॉस हिट होने के डर से आप लोग पीछे हो जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। समझ में आता है कि भाई हाँ लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, तभी करने का मन करता है, नहीं तो मन नहीं करता है। तो आगे चलते हैं, कल के लिए जो इंटरेस्ट स्टॉक है वो क्या है और कौन सा है, ठीक है, वो है अपना इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना। इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना में देखिए, ये स्टॉक एक जबरदस्त फॉल किया हुआ है, एक जबरदस्त ट्रेंडिंग फॉल में है, ठीक है, जो ये इसका स्वभाव है। और ऑलरेडी यहाँ पे जाके देखिए, दो बार सपोर्ट ये ले चुका है, दो बार सपोर्ट ले चुका है। दोबारा कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट सब कुछ सही रहा तो ये यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है विद गुड वॉल्यूम, और ऐसे अगर थ्रोबैक के साथ ये अपसाइड मूवमेंट दे तो हम 802 के ऊपर हम बाई करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो प्रायोरिटी है 810 रुपीज का हमारा फर्स्ट टारगेट है, एंड सेकंड टारगेट विल बी 816, ओके। फर्स्ट टारगेट जो प्रायोरिटी होगा, सेकंड टारगेट भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो तो जरूरी नहीं है सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ही हमें जरूरी है। और शॉर्ट सेल करेंगे एज ए स्पेकुलेट, सॉरी एज ए स्कैल्पर टाइप में हम उसको शॉर्ट सेल करेंगे, 786 में ही हम इसे शॉर्ट सेल कर देंगे, और हमारा टारगेट रहेगा 778 फर्स्ट टारगेट जो हमारा प्रायोरिटी है, एंड सेकंड विल बी 772 विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स का रखेंगे। याद रखिएगा, अपसाइड बाइंग जोन रहेगा एज ए ऑब्जर्वर और स्पेकुलेटर, एंड सेकंड जो शॉर्ट सेल में रहेगा वो एज ए स्कैल्पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ये सब सिनेरियो। और अगर ये मार्केट खुलने के बाद ये साइडवेज मूवमेंट थे तो हमें इसमें कोई एंट्री नहीं लेना है, हमें तब तक वॉच करना है जब कहीं पे अपसाइड या डाउनसाइड फुल वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक ना दे, साइडवेज में कोई एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, अच्छे से रहिएगा, हैप्पी संडे।